नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को आपसी भाईचारे के साथ मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आगामी आने वाले पर्व गणेश उत्सव और मुहर्रम पर्वों को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा जनपद पंचायत के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग और उत्सव समिति के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में SDM अंकिता जैन, SDOP कुलवंत सिंह, तहसीलदार GS पटेल, थाना प्रभारी SPS राघव उपस्थित थे। SDOP ने कहा कि गंगा जमुना तहजीब की परंपरा को कायम रखते हुए अनंत चतुर्दशी एवं मुहर्रम का पर्व आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। इस पर दोनों कौम के लोगों ने हाँ भी भरी। SDOP ने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस एवं वह शोभा यात्रा नहीं निकाले। पूजा पंडालों में 10 के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। इस मौके पर थाना प्रभारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी, साथ ही असामाजिक तत्वों पर पुलिस पैनी नजर रखेगी। आमजन शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाए व कानून व्यवस्था बनाए रखें। SDM ने सभी विभागों के अधिकारियों को उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। तहसीलदार ने प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। मीटिंग में आए हुए सुझावों पर सुना और उस पर अमल करने को कहा। दोनों पर्व को लेकर माकुल पुलिस प्रबंध किया जाएगा तथा CCTV कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों पर साथ ही कार्रवाई की जाएगी। शांति कमेटी की मीटिंग में अच्छे से हिंदुओं के त्यौहार गणेश जी के त्यौहार मनाए जाए, मुहर्रम त्यौहार भी शांतिपूर्ण और सामंजस्य वातावरण में हो, इसके संबंध में प्रशासन स्तर पर जो भी मुनासिब इंतजाम हैं, सुरक्षा इत्यादि इत्यादि किए जाएंगे, साफ सफाई इत्यादि इत्यादि सब पर सहमति बनी है। SDM महोदय, तहसीलदार जो कि नगर परिषद के चार्ज में, वो भी मीटिंग में थे। बिजली विभाग जो भी परंपरागत तरीके से त्यौहार में जो भी इंतजाम होते आए हैं उस बार भी होंगे। प्रशासन की ओर से कोई दिशा निर्देश दिए गए? प्रशासन की ओर से सबसे अपील की गई है कि सोनकक्ष एक शांतिपूर्ण जगह है और दोनों वर्गों में काफी सामंजस्य है, उसी अपनी परंपरा को इस बार भी बढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छा त्यौहार मनाएंगे। सोनकक्ष से योगेश ओझा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।